गुड मॉर्निंग इंडिया। और मुझे पता है आप सबों का ध्यान है कि न्यूजीलैंड में मौसम का क्या हाल है, और यहाँ इस वक्त क्राइसिस के एक बेहद खूबसूरत जगह पर मैं आपके साथ हूँ। मैंने सोचा मौसम का हाल, प्लेइंग 11, ये सारी बातें बताता हूँ। कल पूरी दिन टीम इंडिया के साथ बिताया, आप लोगों को रिपोर्ट भी भेजी, कुछ और रिपोर्ट्स हैं वो भेज नहीं पाया जो मैं भेजूँगा। लेकिन सबसे पहले मौसम या प्लेइंग 11, प्लेइंग 11 में आप लोगों को है संजू सैमसन खेलेगा या दीपक हुडा या कुछ और होगा, गेंदबाजी में बदलाव होंगे, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको मौसम के बारे में बता दें तो इस वक्त सुबह सुबह क्राइस्टचर्च की सुबह क्या दोपहर यहां से कह सकते हैं, आप लोगों के यहां भी सुबह हो रही है सबसे ताज़ा रिपोर्ट, क्योंकि कोई यहां है नहीं, मैं ही आपको बता रहा हूं। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप हल्की हल्की खिली हुई है, धूप आई हुई थी और बारिश की अभी जो है आशंका भी नहीं दिख रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो पहले की जो प्रेडिक्शन है वो बारिश की प्रेडिक्शन है। आप यहाँ देख सकते हो जिस जगह पर हम यहाँ पर आए हैं 1914 में ये बनी हुई थी, 1914 से लेके 1919, आपको पता ही है ये साल क्यों सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पर क्राइसिस जब भी आप अगर आप आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा, इस समुद्री तट पर। यहाँ पर जो समुद्री लहरें, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैकड्रॉप पे, आप देख सकते हो ये जो समुद्री लहरें हैं, इसमें क्रिकेट की फिलॉसफी है, कितने बदलाव, कितनी चीज़ें, उतार चढ़ाव, ये पुल खिलाड़ियों के लिए भी इससे काफ़ी इंस्पिरेशन वाली बात होती है। अगर आप संजू सैमसन हो तो इन लहरों से आप ये सवाल पूछोगे कि मेरा कसूर क्या है, मुझे वो तरंगे क्यों नहीं मिल पा रही हैं, मुझे वो किनारा क्यों नहीं मिल पा रहा है। अगर आप संजू सैमसन हो तो आप दार्शनिक हो जाओगे, लेकिन अगर आप शिखर धवन हो तो आप बोलोगे मैं करूं तो क्या करूं। इस खुले आसमान में एक फैसला लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई इंडिया के लिए खेलना चाहता है, ठीक है। चलिए दार्शनिक होने की बात तो अब हट जाता हूँ मैं, वो तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इस रोमांटिक वेदर में थोड़ा सा ज़्यादा ही फिलोसफिकल हो गया। बट ऑन ए मैटर ऑफ फैक्ट कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैंने जो देखा कल, जो मैंने नेट्स में देखा, जिस तरह से संजू सैमसन भी काफ़ी समय बिता रहे थे और ऋषभ पंत भी काफ़ी समय बिता रहे थे, दोनों साइमल्टेनियसली नेट्स पे बैटिंग कर रहे थे, इन दोनों को मैंने देखा, संजू को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद उनको खेलने की जगह मिले, जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण ने उनके साथ टाइम बिताया, बात कर रहे थे, संजू को खुद देख रहा था। लेकिन संजू अगर आएंगे तो किसकी जगह पर आएंगे, सवाल ये है, क्योंकि पहले मैच में संजू खेले थे, रन भी बनाए थे उन्होंने, दूसरे मैच में इंडिया को लगा कि भाई हमारा गेंदबाजी का जो ऑप्शन है वो कमज़ोर पड़ा तो दीपक हुडा आए। अब दीपक हुडा का तो कोई कसूर नहीं है, उन्होंने गेंदबाजी की, और अब इंडिया के ये डिज़ायर है कि उनके पास ऐसे बल्लेबाज हों टॉप ऑर्डर में जो गेंदबाजी करे, और शायद इसलिए हमें श्रेयस अय्यर एक लेग स्पिनर के तौर पर दिख रहे हैं। जी हाँ, श्रेयस अय्यर को मैंने इस दौरे पर कई बार लेग स्पिन करते हुए देखा, और आने वाले टाइम में वो लेग स्पिन और ज़्यादा आपको करते दिखे। तो इंडिया का शिखर धवन ये रिस्क लेंगे कि भाई आप फिर से संजू सैमसन को लाएं, प्योर बैट्समैन को दीपक हुडा को ड्रॉप करके, मुझे लगता है डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि आपने हुडा को एक मैच खिला कर भी आप नहीं लाया। अगर आपकी लॉजिक ये थी कि हमें गेंदबाजी को हमें वो करना है, मजबूत करना है, तो अचानक एक मैच बाद क्या हो गया, है ना। और ऐसे भी चूँकि बारिश के आसार हैं, इस मैच में ऊपर नीचे होगा, हो सकता है मैच 20 ओवर का हो जाए, 25 ओवर का हो जाए, तो फिर आपको ज़्यादा बैट्समैन की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहोगे कि गेंदबाजी में आपका जो है वो विकल्प रहे, तो ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है ना। तो लेकिन संजू सैमसन को तो खिलाना है, अगर अभी आप नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे, है ना, उसकी तो कोई गलती है नहीं, तो फिर क्या बच जाता है। तो फिर दो खिलाड़ी बच जाते हैं जिसकी जगह संजू सैमसन खेल सकते हैं, एक खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव को आप ड्रॉप नहीं, क्या आराम दे सकते हो, लेकिन वो भी बड़ा दुविधा वाला सवाल है। मैं अगर सूर्य कुमार यादव हूँ तो मैं बोलूँगा यार मैंने कितने मैचेस खेल रहे हो जो मुझे आराम दे रहे हो, इसके बाद तो मुझे आराम ही आराम है, मैं बांग्लादेश तो जा नहीं रहा हूँ, है ना, टेस्ट मैचेस खेल नहीं रहा हूँ, मुझे आराम नहीं चाहिए। तो शिखर धवन और वीवीएस लक्ष्मण ये जोखिम तो नहीं लेंगे आराम देने का, तो बच फिर कौन जाता है,
बच जाता है फिर श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने जो मौके मिले हैं पिछले कुछ मैचेस उनके शानदार रहे हैं, है ना। तो क्या श्रेयस अय्यर को आराम दिया जा सकता है कि श्रेयस देखिए आपको सारे मैचेस खेले हैं, इस मैच में हम संजू सैमसन को एक मौका देना चाहते हैं। उसका शिखर धवन बोलेंगे, उसके बाद तो वहाँ पर रोहित शर्मा कप्तान है बांग्लादेश में, वो टीम देखें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जितना जो कर सकता हूँ फेयर होके मैं कर लेता हूँ। तो एकमात्र जो विकल्प जो मुझे जो दिख रहा है कि वो आप जो है इन खिलाड़ियों को, दो में से एक खिलाड़ी को आप आराम करके ही आप दे सकते हो, ये है। तो बड़ा मुश्किल सवाल है, गेंदबाजी में कोई बदलाव होंगे? गेंदबाजी में मुझे लगता है ये गेंदबाजी में आपको बदलाव करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी बड़ी मुश्किल समस्या है। अब जैसे आप युजवेंद्र चहल को आराम देना चाहते हो, आप युजवेंद्र चहल वनडे क्रिकेट में इंडिया के प्रीमियर बॉलर हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में इस साल सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेट लिए हैं, कॉन्फिडेंट गेंदबाज हैं, लेकिन अब उन युजवेंद्र चहल को भी तो T20 वर्ल्ड कप में मौके नहीं मिले जितने मैचेस खेलना चाहिए था। तो मैं अगर युजवेंद्र चहल हूँ तो मैं बोलूँगा मुझे आराम क्यों। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर चहल को आप आराम नहीं देंगे तो कुलदीप यादव को आप कैसे खिलाएंगे? कुलदीप यादव को भी आपको मौके देने हैं। तो कुलदीप यादव ने कल मैंने देखा, कुलदीप यादव ने बहुत देर तक नेट्स में बैटिंग की, आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। कुलदीप यादव का मुझे लगता है एक नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं एक नए कुलदीप यादव को देख रहा हूँ जो अपनी बल्लेबाजी पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो शायद वो बोलें कि भाई कुलदीप यादव को जो है इस मैच में मौका दो, युजवेंद्र चहल को जो है आराम देते हैं, ये कर सकती है इंडिया, ये एक ऑप्शन है। अच्छा, तेज़ गेंदबाजों में भी कैसे आप कोई बदलाव करोगे, क्योंकि दीपक चाहर खेलेंगे ही, दीपक चाहर का भी ऑन एंड ऑफ वाला रहा है, तो वो इस मैच में कल भी उन्होंने गेंदबाजी की थी, उमरान मलिक ने भी एक ही मैच खेला है, अर्शदीप सिंह पक्के हैं जगह पे, उन्होंने वनडे डेब्यू किया है, तो मे बी, जस्ट मे बी कि अर्शदीप सिंह को आराम करके अब शायद बोलो कि अर्शदीप सिंह को हम आराम देंगे, एक बदलाव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आसान नहीं है शिखर धवन के लिए, और शिखर धवन कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इंडिया जो है सीरीज़ हारे, सीरीज़ हारने का खतरा हो, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ना यहाँ पर हेगली ओवल जो मैदान है क्राइस्टचर्च का, यहाँ पर उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है, 11 मैचेस वनडे खेले सिर्फ एक बार वो हारे हैं। तो कम से कम शिखर धवन की ये कोशिश होगी कि अगर यहाँ पर हम मैच जीतते हैं, न्यूजीलैंड को यहाँ पर हराते हैं, तो कप्तान के तौर पर उनकी भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, 0-1 से डाउन होने के बावजूद सीरीज़ को बराबर करना, 1-1 से बराबर करना, वही है और वही समुद्री लहरें फिर से आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हार और जीत तो इसी का हिस्सा है, समुद्री लहरों की तरह आप देखें दूर दूर तक आसमान, खुला आसमान, खुला आसमान का मतलब अपॉर्चुनिटी, बेहद खूबसूरत नज़ारा। मुझे उम्मीद है यहाँ आकर इंडियन टीम भी दार्शनिक हुई होगी। फिलहाल आपसे इजाज़त लेता हूँ, लाइव में आप जुड़िएगा और बड़ी बड़ी अच्छी रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, टीज़ कर देता हूँ, हर्षा भोगले का एक इंटरव्यू है वो जल्द आएगा, रवि शास्त्री का मैंने बोला ही है, और जॉन राइट पे एक बड़ी शानदार टीम इंडिया के पूर्व कोच उन पर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।